તમિલનાડુમાં અબુર્ધા માતાજીનું ભવ્ય અને પૌરાણિક મંદિર આવેલું છે. આ પવિત્ર સ્થળે હજારોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવે છે. ત્યારે વર્તમાન સમય શારદીય નવરાત્રિ ચાલતી હોવાથી માતાજીના ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી રહ્યું છે, તો બીજી બાજુ નજીકના જંગલ વિસ્તારમાંથી રીંછનું ટોળું પણ માતાજીના દર્શન તેમજ પ્રસાદનો લહેવો લેવા માટે આવતા હોય છે. ખાસ વાત તો એ છે કે માઉન્ટ આબુમાં અવારનવાર રીંછના હુમલાની ઘટના બનતી હોય છે, પરંતુ માતાજીના મંદિરે આવતા શ્રદ્ધાળુઓ સાથે કોઈક આવી ઘટના બનતી નથી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે માતાજીના દર્શન કરવા માટે ઉમટેલા શ્રદ્ધાળુઓ એ પણ રીંછના ટોળાને નજીકથી જોઈ તેઓની મુવમેન્ટને કેમેરામાં કેદ કરે છે. कि किस प्रकार से जिस प्रकार से माताजी के दिन होते हैं और कहीं ना कहीं भालू जो है यहाँ पे जोत के यहाँ पे आते हैं और लोग जो है देख के काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उन्हें सामने से दर्शन होते हैं. हाँ, आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी अर्बुदा माताजी के मंदिर में भालुओं का भी उसी प्रकार आना जाना है जिस प्रकार से यहाँ भक्त आते जाते हैं. और सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर दिन में किसी भी टाइम राउंड द क्लॉक भालू रहता ही है, और एक ही नहीं चार चार पांच पांच के झुंड में रहते हैं और वो किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. यात्री भी बहुत दूर से उनको देख के प्रसन्न होते हैं, चाहे शायद यहाँ तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद भी यहाँ ऐसे भालू देख के खुश होता है कि ऐसे भालू हमको यहीं देखने मिलते हैं. कि जिस प्रकार से भालू रोजाना आते हैं और कहीं ना कहीं नवरात्र में ज्यादातर जो है चार चार पांच पांच भालू यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो माता जी की देन है और बहुत अच्छी, किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाते. अगर आप इनको छेड़ोगे तो ये आप पे अटैक करेंगे, नहीं तो ये माता जी की आरती सुनने और